हेलो नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम एक नया वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं। आप सभी का हमारे आईटीआई मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और एक और हैंड टूल के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में जो टूल देख रहे हैं, कई लोग इसको जानते भी होंगे, कोई अलग अलग नाम से भी पुकारते होंगे। इसका जो मुख्य नाम है वो है पोकर, जिसको अपन सुआ भी अधिकतर कहते हैं। दोस्तों आज अपन विस्तृत जानकारी लेंगे पोकर के बारे में कि ये किस इलेक्ट्रिशियन के लिए किस यूज में आता है और किसका बना हुआ रहता है और एग्जाम में अपने पास इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले इस भाग को अपन हैंडल कहते हैं, आगे का जो भाग है उसको अपन सेंक कहते हैं। सेंक किसका बना रहता है? सेंक हमेशा कास्ट स्टील का बना रहता है। हैंडल है वो बेकेलाइट का बना हुआ रहता है या कई पोकर में लकड़ी का भी बना हुआ रहता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? इसका उपयोग करते हैं लकड़ी में गाइड होल करने के लिए। जैसे कि ये अपने पास फर्श दिख रहे हैं लकड़ी की, इसके अंदर अपन स्क्रू लगाएंगे तो सीधा स्क्रू लग नहीं सकता है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पोकर की सहायता से इसमें गाइड होल, कहने का मतलब जो छोटा छेद होता है वो अपन करेंगे, जिसको अपन गाइड होल करते हैं। गाइड होल करने के बाद ही अपन उसके अंदर स्क्रू को लगा सकते हैं। किस पोकर का सबसे प्रमुख काम है गाइड होल करने का। दोस्तों इसके साइज क्या आती है, इसके हमेशा साइज है वो सेंक के ऊपर डिपेंड करती है, 100 mm, 150 mm, 200 mm। इसके अंदर से इसका मुख्यतः जो प्रश्न आता है अपने एग्जाम में वो यही आता है कि पोकर का उपयोग कौन से लेते हैं या कौन सी धातु का बना हुआ रहता है और लकड़ी में करते हैं या किसमें। तो इसका उपयोग हमेशा गाइड होल, केवल लकड़ी में ही गाइड होल करना है वहाँ पर ही अपन इसका उपयोग ले सकते हैं।